ਬਲਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਮੇਂ ਲਿਪਤ ਹੈ ਉਨਕੋ ਜਲਦ ਸੇ ਜਲਦ ਔਰ ਕੜੀ ਸੇ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜਾਏ। ਕੈਸੀ ਸਜ਼ਾ ਸਰ? ਸਜ਼ਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਤੋ ਫਾਂਸੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। आज हम आसिफा के लिए कैंडल मार्च कर रहे हैं। आसिफा के जो रेप जिन्होंने रेप किया आसिफा के साथ वो मुजरिम, उन्हें अभी तक सज़ा नहीं मिली। हम सब चाहते हैं कि उन्हें सज़ा मिले और आसिफा के इंसाफ चाहिए। हम आसिफा के इंसाफ के लिए ये सब कर रहे हैं। कुछ कर सकता जब तक हम सारे इकट्ठे होके आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये चीज़ बंद नहीं हो सकती। आज छोटी सी बच्ची के साथ हुआ, कल किसी के साथ, ये रुक ही नहीं रहा है। ये बार 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 हो ही जा रहा है। इसको कैसे खत्म करें? इस चीज़ के लिए हमें सबको इकट्ठे होकर मार्च करना ही पड़ेगा। एक बात मैं आपसे दिल से कहना चाहता हूँ सर, एक बार करके दिखाइए, सारी जनता देखेगी और सभी याद रखेंगे कि हाँ भी मोदी गवर्नमेंट ने कुछ किया था। और हम भी आपको याद रखेंगे सर कि आगे से ऐसा कोई भी रेप ना हो। ये 8 साल की लड़की, क्या उम्र होती है बच्ची की, 8 दिन तक तड़पा कर रेप किया, उसके बाद उसके पिता को भी मार दिया, उसको भी मार दिया। इधर एक बात सोचने वाली है, अगर ये हमारी बहन बेटी होती तो क्या हमारे ऊपर बीत रही होती है। अमृतसर तो गलिंदर सिंह की रिपोर्ट, चैनल 2।